हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सो फिलहाल अगर देखा गया तो ये जो टॉपिक है, वैसे तो स्कूल या फिर हमारे जो कॉलेज है उसमें डिटेल में पढ़ाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेज में इतना कोई डिटेल में पढ़ाते तो यहाँ पे है नहीं। एंड इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है बाद में हम लोग को फेस करने यहाँ पे पड़ते हैं। सो टॉपिक किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो टॉपिक है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। यस, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है करके, ठीक है, या फिर कभी हम सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है करके। तो इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और ये सारी चीज़ें अभी क्यों हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा FOMC की फेड की बैठक थी, पॉवेल जी की स्पीच हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, इंटरेस्ट रेट कट का भी फैसला यहाँ पे हो गया, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है करके। तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में यहाँ पे नहीं आती है। सो इसी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के जो डाउट्स है, मीनिंग से लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्लस उसी के साथ साथ पर्सनल लाइफ में क्या आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे आप पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियली कुछ डिसीजन यहाँ पे इस इंटरेस्ट रेट के चलते आप ले सकते हो, बिजनेस लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट के कौन कौन से सेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, कौन से शेयर्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जितने भी आपके जो डाउट है, ठीक है, सारी चीज़ें कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा करके, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसी एक वीडियो में कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को सबसे पहले मीनिंग के साथ, ठीक है। मीनिंग की अगर हम लोग बात करें, अभी इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो बेसिकली दो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट अगर देखा गया तो एक इंटरेस्ट रेट आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं पैसा बैंक में FD कर दूँ, फिक्स डिपॉजिट कर दूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट मिलता है कि नहीं? डेफिनेटली मिलता है। और कहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपके दिमाग में आता है? एग्जैक्टली लोन केस में, कि अगर मैं बैंक से पैसे उधार ले लूँ तो ब्याज चुकाना पड़ता है कि नहीं, ठीक है, 5%, 10%, 15%, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, लोन के ऊपर हम लोगों को, मतलब किसके ऊपर अप्लाई होता है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, बोथ। यस, दोनों के ऊपर ये इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को अप्लाई होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कभी अगर ये खबर आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट, ठीक है, कट हुआ है, या फिर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा है, हाइक हुआ है, ठीक है, तो ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, दोनों के ऊपर, बोथ बोले तो FD के ऊपर भी एंड लोन के ऊपर भी। मतलब FD के अगर रेट्स, अगर हम लोगों को यहाँ पे ये बोला गया कि इंटरेस्ट रेट कट हुआ है करके, सो FD के रेट भी यहाँ पे कट होंगे, नीचे कम हो जाएंगे, एंड लोन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये बोला गया कि रेट्स बढ़ गए करके, तो FD का रेट मान लीजिए अगर 5% है तो वो भी बढ़ जाएगा, 5 का 5.5 हो सकता है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बढ़ सकता है। सिमिलर वे जो लोन है, लोन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगता है 10%, वो भी बढ़ सकता है, 10 का 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, क्या बोला, कि जो ये फैसला सामने आ जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा या फिर इंटरेस्ट रेट घटा, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, FD के ऊपर भी, लोन के ऊपर भी, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि वाई, ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सेंट्रल बैंक मतलब जो हर एक देश की अगर देखा गया तो एक सबसे प्रमुख बैंक हम लोग को देखने को मिल जाती है, इंपॉर्टेंट बैंक। जैसे कि हमारे देश की बात करें तो कौन है? यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अमेरिका की बात करें तो फेडरल रिजर्व, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं दोस्तों, इनका एक ही काम होता है, कौन सा, कि अगर देखा गया तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन, इसको प्रॉपरली बैलेंस करना, ठीक है, और भी होता है, इन्फ्लेशन होता है, ग्रोथ को मेंटेन करना होता है, ठीक है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें वो भी करनी होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो है इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना, बैलेंस करना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि इन्फ्लेशन एकदम ही बढ़ गया करके, 10% इन्फ्लेशन, 12% इन्फ्लेशन, 15% इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब समझते ना, महंगाई, कि इतनी अगर महंगाई हो गई 10%, 12%, 15%, अरे भाई बैंड बच जाएगी, ठीक है। अगर आटा चावल गेहूं जैसी चीज़ें अगर मान लीजिए अगर कोई बोल देता है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 केजी आपको आटा मिलेगा या फिर चावल मिलेगा, अगर गेहूं की बात करें 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 10,000 रुपये को आपको मिलेगा करके, तो क्या हालत हो जाएगी आप इमेजिन करके देख लेना देश की,
ठीक है, इतनी महंगाई हो जाएगी, तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। प्लस उसी के साथ साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन एकदम नीचे आ गया, 1% का इन्फ्लेशन, 1.5% का इन्फ्लेशन, अरे इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आटा चावल गेहूँ की अगर बात करें, 10 रुपये पे मिल रहा है, 100 रुपये पे मिल रहा है, अरे भाई पैसों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। हर घर में कोई ना कोई, हर कोई आटा लेकर यहाँ पे बैठ जाएगा, तो इससे भी काफ़ी अफरा तफरी मच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इन्फ्लेशन ना तो एकदम ऊपर रहना चाहिए ना तो एकदम नीचे रहना चाहिए, हमेशा इसको बैलेंस करना चाहिए। ये सेंट्रल बैंक का काम होता है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, इसको प्लस माइनस करके इन्फ्लेशन को क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो मैनेज करता है। ठीक है, कभी भी अगर उनको ऐसा लगा कि इन्फ्लेशन अगर एकदम ही ऊपर जा रहा है करके, ठीक है, एकदम ही बढ़ रहा है करके, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं। अगर इन्फ्लेशन अगर नीचे गिर रहा है तो फिर वो क्या करते हैं, रेट को भी गिराना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ के चलते इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये उनका यहाँ पे बेसिकली काम यहाँ पे होता है। एंड अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, लोन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। अभी मान लीजिए लोन अगर मिलता था, अगेन कह रहा हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ, मान लीजिए 15% के ऊपर आपको लोन मिलता है। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, घर का पकड़ लेते हैं। ठीक है, 15% पे मिलता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बोला, क्या बोला कि सेंट्रल बैंक बोलेगी कि रेट कट होगा करके, तो रेट कट होगा मतलब ऑब्वियसली पॉइंट पॉइंट से ही होता है, बट फिर भी मैं अगेन कह रहा हूँ समझने के लिए ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 15% का लोन कट होके अगर मान लीजिए अगर 8% पे आ गया, तो मान लीजिए एक सेकेंड के लिए, इतना इतना सस्ता हो गया, इतना चीप लोन हो गया करके, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली जो जो एक्टिविटी हम लोग को लोन से रिलेटेड देखने को मिलती थी कि लोन से जो चीज़ें खरीदी जा सकती थी, यस, उन चीज़ों की डिमांड ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ सकती। मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोन किसके लिए लिया जाता है, ऑब्वियसली आप घर खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा अगर देखा गया तो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 घर अगर बिकते होंगे तो लगभग लगभग 90 घर अगर देखा गया तो फाइनेंसेस के थ्रू होते, मतलब लोन लेकर ही होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अगर लोन पहले चल रहा था 15%, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार काफ़ी ज़्यादा महंगा चल रहा है इंटरेस्ट रेट, इतना अगर रहेगा, अगर लोन के ऊपर अगर ब्याज अगर इतना रहेगा तो EMI हम लोगों को मतलब नहीं जमेगा। बट अगर इंटरेस्ट रेट अगर मतलब RBI की बात करें, सेंट्रल बैंक की बात करें, अगर वो लगातार गिराना स्टार्ट कर दे, और मान लीजिए अगर वो लोन 8% के ऊपर आ गया, तो डेफिनेटली आप विचार करोगे अरे घर ले लेते करके। अरे आप विचार करने से पहले ही अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे होंगे ना, तो जिनके पास भी आपने अपना नंबर विंबर देके आए होंगे, एड्रेस देके आए होंगे, उनके ही कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, अरे सर जी देखो जो इंटरेस्ट रेट पहले चल रहा था कितना नीचे आ गया, देखो ये ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा करके। और इसके चलते क्या हो जाता है दोस्तों, घर खरीदने से रिलेटेड जो बुकिंग्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन सस्ता होने लग गया। ठीक है, और कौन सी चीज़ होती है जो कि आप लोन के हिसाब से खरीदते हो, सोच कर देखिए। यस, सेकंड नंबर की चीज़ होती है दोस्तों गाड़ी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब अगर देखा गया जो गाड़ी है वो लोन के थ्रू ही खरीदते हैं। ठीक है, उनको बोला जाएगा अरे सर जी गाड़ी खरीद लो, देखो फाइनेंस भी आप लोगों को मिल जाएगा, लोन हम लोग आपको करवा के देते हैं, काफ़ी सस्ता हो रहा है करके, देखो पहले कितना हायर रेट था अभी रेट लो हो चुका है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, गाड़ियाँ खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और गाड़ियों की बिक्री भी ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ती है। मतलब क्या है, ये जो घर वाली कंपनियाँ हैं इनके शेयर्स अच्छा करते हैं, ये जो गाड़ी वाली कंपनियाँ हैं उनके सेल्स अच्छे बढ़ जाते हैं, तो उनके शेयर्स काफ़ी अच्छा करते हैं, उनके क्वार्टरली नंबर सुधर जाते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी लोगों को पता है इनको बहुत हेवी लोन की ज़रूरत पड़ती है, कैपेक्स करना पड़ता है, तो ये भी ज़बरदस्त कर्जा लेना स्टार्ट करते हैं। क्यों? अरे क्योंकि लोन जो लेवल पे मिल रहा है उस लेवल से अभी सस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी चक्कर में हम लोग को लोन की डिमांड काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑलरेडी जिनके ऊपर लोन है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर कोई मिस्टर एक्स है उसके ऊपर 50,000 रुपये का अगर हम लोग बात करें, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या चल रहा है, लोन चल रहा है, मतलब EMI चल रहा है 50,000 रुपये का। बट अगर रेट कट हो गया, ठीक है, और अगर ऐसी चीज़ हो गई कि 50,000 का EMI अभी आपको केवल 40,000 ही देना है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब क्या उसका 10,000 रुपये हाथ में बच रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 10,000 रुपये को क्या करेगा, खर्च करेगा। किसके ऊपर खर्च करेगा, तो दोस्तों कोई ना कोई वो चीज़ें खरीद सकता है, फ्रिज खरीद सकता है, माइक्रोवेव खरीद सकता है, ओवन खरीद सकता है, वॉशिंग मशीन खरीद सकता है, ठीक है, लाउड स्पीकर, वूफर, TV खरीद सकता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे, लैपटॉप खरीद सकता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन ले सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो खरीद सकता है कि नहीं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें, कपड़े खरीद सकता है, शॉपिंग कर सकता है, जूते खरीद सकता है, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकता है,
शायद से पहले देखा गया तो महीने में एक बार होटल जाता था बाहर खाने के लिए, इस वक्त दो बार बाहर जा जाए, क्योंकि देखो उसके जेब में पैसा बचने लग गया, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के चलते ये जितने भी बिजनेस इससे रिलेटेड काम करते हैं ना दोस्तों, इनका आने वाले समय फिर क्या हो जाता है, अच्छा हम लोग को देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनके बिजनेस में हम लोग को वो बूस्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कट हो रहा है करके, ठीक है, धीमे धीमे करके ये और कट होगा, एक झटके में नहीं होता है भाई, किसी भी चीज़ को एक झटके में अगर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, धीमे 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 धीमे, अगर बढ़ता है तो भी धीमे धीमे बढ़ता है, घटता है तो भी धीमे धीमे घटता है, हाँ एक्सेप्शंस केस ऑलवेज एग्जिस्ट, जस्ट लाइक कोविड के वक्त कुछ अफरा तफरी मची थी तो उस वक्त वो इमरजेंसी लेकर वो कट करना पड़ता था, वो डिफरेंट स्टोरी है, जैसे मैंने कहा वो वंस इन अ ब्लू मून एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, कभी भी अगर रेट कट होंगे या फिर रेट कट बढ़ेंगे, धीमे धीमे ही वो हम लोग को एक्टिविटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इस एग्जांपल से आप लोगों को अंदाज़ा आया होगा कि कौन से बिजनेसेस, कौन से शेयर्स को यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है। आप भी सोच कर देखो ना, अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे पेटीएम कर दूँ, जीपे कर दूँ 10,000 रुपये, मान के चलिए कर दिया 10,000 रुपये, आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है। तो बस वही चीज़ होती है कि लोगों के जेब में एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, तो ये एक्टिविटी जो ये रेड कार्ड देखने को मिल जाती है, इससे ये बेनिफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसका उल्टा भी है, कौन सा, कि अगर रेट अगर हाइक हुआ तो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, ठीक है, आपका ईएमआई बढ़ेगा, बिल्कुल उल्टा। ये जितने भी कंपनियां अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की ना, की है रियल इस्टेट वाली कंपनियां, ऑटो वाली कंपनियां, खाने पीने वाली ये कंपनियां, ठीक है, लैपटॉप कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली ये कंपनियां, ठीक है, सबकी बैंड बचती है, क्यों, क्योंकि अगर आपका ईएमआई बढ़ना स्टार्ट करेगा तो फिर आप बोलोगे अरे भाई किधर पिक्चर देखने मूवी देखने जाएंगे, किधर होटल में खाना खाने जाएंगे, ठीक है, कपड़े छोड़ दो यार, जो पुराने वही इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है, घर अभी नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि अभी रेट बढ़ रहा है भाई, अभी तक तो 8% पे मिल रहा था, अभी आप 10-12% की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए जब रेट कट बढ़ता है, मतलब रेट हाइक होता है, ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और जब कट होता है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आई होगी। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं दोस्तों एकदम आखिरी लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट कौन सा था, जो अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में एक बात बोली थी कि इसका इम्पैक्ट आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। मतलब कैसे, देखिए अभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, खास करके सीनियर सिटीजन, वो क्या करते हैं भाई, वो अपना पैसा मार्केट में नहीं रखते हैं, ठीक है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, उनको पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपना पैसा वो एफडी में ही रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को सिखाया भाई, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, फिक्स डिपॉजिट की भी बात करें, सो जो करंट लेवल चल रहा है ना दोस्तों, आज का जो दिन चल रहा है यहाँ पे, ये एफडी से रिलेटेड जितने भी बैंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये वन ऑफ द बेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट अभी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेट सबसे हाईएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन अगर कोई होगा, ठीक है, तो आप प्रॉपरली विचार कर लेना कि अगर आपको एफडी करनी है तो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेट्स है वो आप लोगों को बाद में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी जैसे मैंने बोला कि अगर कोई XYZ बैंक है, मान के चलो 9% का एफडी दे रहा है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो रेट फिक्स वाला जो रहता है ना एफडी, वही अगर आप करोगे ना तो आपका 9% फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर RBI रेट कट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 9% कम होके 8.5 हो जाएगा, ठीक है, 8.5 कट होके 8 हो जाएगा, 8 कट होके 7.5 हो जाएगा, 7.5 कट होके 7 हो जाएगा, तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी जो रेट आपको मिल रहा है ना, ये बेस्ट रेट मिल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं बताए, जब भी इंटरेस्ट रेट एकदम हम लोगों को टॉप लेवल पे देखने को मिल जाता है, टॉप लेवल पे, तब जाके वो एफडी कर लेते हैं, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट ऐसे टूटना स्टार्ट होता है ना, नीचे 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 आ जाता है एकदम, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना टूट सकता है करके, और एकदम नीचे आता है ना तो वो लोन लेने का भी प्लान करते हैं, कि अगर किसी को घर ही लेना है, ठीक है, कोई चीज़ें अगर लोन के हिसाब से अगर वर्क करना है तो उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, रेट कट होना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, एंड शायद से आने वाले नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में और 2% तक रेट कट हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल एक्टिविटी अमेरिका में अगर 2% हुआ तो दुनिया भर में भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। सो आप देख सकते हैं आने वाले 2 साल के भीतर भीतर आपको जो मिलने वाला लोन भी रहेगा वो भी काफ़ी सस्ता होते हुए देखने को आप मिल जाएगा, ठीक है। बट याद रखना, ये चीज़ें परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे सीसॉ की तरह चलती रहती है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। अभी महंगाई कम हो गई तो ये एक चीज़ें देखने को मिली, अगर महंगाई बढ़ गई तो चलो वापस रेट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा इस प्रकार से यहाँ पे चलती रहती है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड
हमारा जो एक और दूसरा चैनल है कौन सा, SMKC करके, आप चाहो तो इसको भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। ओरिजिनल चैनल है भाई, उसी को फॉलो करना। 1.93 मिलियन वाला फेक चैनल्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, उससे थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे बरत लेना। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये रेट कट रेट हाइक ये एग्जैक्टली माजरा क्या है आसान भाषा में मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। अगर नहीं समझा तो वापस एक बार रिवाइंड करके देख लेना, इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बट बार बार रिपीट चीज़ें होने के बाद आपको ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।